घर में घुसकर एक ठग ने दो महिलाओं को सम्मोहित करके उनके हाथों से सोने की चूड़ियां उतरवा ली। घटना बल्लमगढ़ के कुम्हारवाड़ा की है, जहां दो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की शिकायत पुलिस को दे दी गई है, लेकिन अभी घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। पूरी घटना में दोनों ठगों के घर घुसते और वारदात को अंजाम देने के बाद भागते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। घर में घुसते और भागते हुए दिखाई दे रहे ये दोनों लोग साथी ठग हैं, जिन्होंने बल्लमगढ़ के कुम्हारवाड़ा में एक घर के अंदर घुसकर 64 वर्ष की महिला को सम्मोहित किया और उसके हाथ से सोने की चूड़ियां उतार कर ले गए। गणेश दास वशिष्ठ की पत्नी शशिकला घर में अकेली थी और दोपहर को करीब 3:30 बजे एक ठग ने घर की घंटी बजाई और घर के अंदर चला गया। पीड़ित महिला वारदात के बाद से बदहवास हालत में है। महिला ने बेटे गौरव की माने तो दोनों ठग उनके घर के अंदर पहले पड़ोस वाले घर के अंदर आए थे, लेकिन वहां वह वारदात को अंजाम देने में असफल रहे। उसके बाद उनके घर आए और उन्होंने उनकी माँ को सम्मोहित करके उनके हाथ से सोने की दो चूड़ियां उतरवा ली और भाग खड़े हुए। गौरव की माने तो घर के अंदर घुसकर वे बर्तनों को और गहनों को साफ करने की बात कह रहे थे। वहीं उनके पड़ोस में कमल की माने तो वह घर पर खाना बना रहा था और दो ठग उनके घर में आए, एक पाउडर से बर्तनों को साफ करने के लिए दिखा रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि गहनों को दे दो, गहनों को भी साफ कर देंगे, लेकिन उन्होंने उन्हें कोई गहना नहीं दिया। वह पड़ोस वाले गौरव के घर से निकल गए। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इन ठगों पर अपना शिकंजा कस पाती है। क्या नाम है आपका? मीना। मीना, आपके साथ ये ठग आए थे आपके घर पे, क्या वारदात हुई? मतलब वो आए, उन्होंने मतलब बर्तन चमका के दिखा रहे हैं और फिर मेरे से पूछ रहे थे कि तुम्हारे पास कोई गोल्ड की चीज है। मैंने तो मना कर दी कि हमारे ट्यूशन की चीजें यूज करते हैं। उसके बाद वो चले गए। आपके पड़ोस में वारदात हुई है जी। तो पड़ोसी के गहने उतार के ले गए हैं वो। क्या नाम है आपका? कमल अरोड़ा। कमल, वारदात हुई है आपके पड़ोस में, उससे पहले जो ठग थे वो आपके घर में भी आए थे, क्या है पूरा मामला? हमारे घर में आए जी, सिस्टर थी घर में, मैं खाना खा रहा था। सिस्टर ने गेट खोला, उन्होंने कहा जी ये केमिकल है सुविधा के नाम से, सुविधा कुछ सुविधा के नाम से अभी लॉन्च कर रहे हैं हम, अगले हफ्ते आपको मेडिकल स्टोर पे या जनरल स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारी गाड़ी आएगी संडे को, उससे आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। 2500 रुपये का प्रोडक्ट है। उन्होंने कुछ पाउडर से फिर वो तांबे वाला लोटा लिया सिस्टर से, वो साफ करके दिखाया। फिर उन्होंने कही जी इसे चांदी का या कोई भी वर्क हो वो भी साफ हो जाता है। एक पत्थर सा दिखाया उन्होंने कि ये पत्थर रगड़ने से, जैसे आप सुनार पे कराते हैं उसमें बॉईल करके करो, उसको गर्म पानी करके करो, तो उन्हें वो फोटो को तस्वीर को साफ करा पत्थर रगड़ के, तो तस्वीर साफ हो गई। फिर वो सिस्टर से कहने लगा एक मैं मेरा कोई फ्रेंड आ गया मेरे कैम उन्होंने और केमिकल दिखाया सिस्टर को, इसमें गोल्ड की चीज़ को रख दो 10 मिनट के लिए और उसको निकालोगे 10 मिनट बाद तो ये वापसी साफ हो जाएगा, आपको किसी सुनार पे जाने की जरूरत नहीं है। वो फिर मैं बाहर निकला, उन्होंने कि कोई गोल्ड की चीज़ नहीं, मैंने नहीं है जी हमारे पास कोई गोल्ड की चीज़। उसके बाद जब उन्होंने कही चलो भैया, दूसरा आदमी बोला, एक ने चश्मा लगा रखा था, तो दूसरा आदमी ने बोला कि भैया चलो चलो लेट हो रहे, कोई बात नहीं, जब गाड़ी आएगी जब देख लेंगे सामान ले लेंगे। वो प्रोडक्ट भी देखे गए हैं, वो चूरन वूरन से क्या है वो पूरा हाल है। क्या नाम है आपका? गौरव नाम है मेरा। गौरव, वारदात हुई है आपके घर में, कब की वारदात है और क्या वारदात हुई है आपकी मम्मी के साथ? मेरा नाम गौरव है और मैं कुम्हारवाड़ा बल्लभगढ़ का निवासी हूँ, और मैं अपने कार्यालय पर था, मेरे पास फोन आया कि मेरी माँ के साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गया है कि मेरी माँ को कोई घर में घुसे हैं दो लोग और उन्होंने कुछ टुंगाया है और वो गहने चूड़ी वगैरह उतरवा के लेके चले गए, और तुरंत मैं आया हूँ और मैंने फिर प्रशासन को फ़ोन करा है, प्रशासन को भी फ़ोन करे हुए आधा घंटा हो गया, अभी तक प्रशासन की तरफ से ना कोई फ़ोन है ना कोई अधिकारी है। ये प्रशासन का मेन बाजार बल्लभगढ़ कुम्हारवाड़े का ये हादसा है, दिन में फेलियर है प्रशासन का, ये बिल्कुल फेलियर है जी, प्रशासन का पूरी तरीके से फेलियर है। पड़ोस के सीसीटीवी हैं, आपने देखे हैं, उनमें दिखाई भी दे रहे हैं, तो क्या कुछ अंदाजा हो रहा है कितने लोग थे वो? दो लोग थे और जो जैसा सीसीटीवी से पता लग रहा है, बाकी सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई जा रही है और वो प्रशासन को सौंप दी जाएगी जल्दी से जल्दी। कितने पैसे भी बता रहे हैं? 5-1 हज़ार रुपये के आसपास लगभग लगभग, जो पर्स में जैसे माता श्री बता रही हैं लगभग लगभग 5-1 हज़ार रुपये के आसपास पैसे हैं। क्या नाम है आपकी माता जी का? मेरी माता जी का नाम श्रीमती शशि। क्या नाम है? शशि प्रभा। शशि प्रभा, अभी वो बेहोशी में लग रही हैं। वो अब डॉक्टर साहब को बुलाया है, वो भी आ रहे हैं एक बार कि भाई क्या है, क्योंकि वो डायबिटिक और हार्ट की भी पेशेंट है, इस वजह से कि भाई क्या सुंगाया है, कहीं वैसे वो शरीर को हानि तो नहीं पहुंचा रहा
जो वो अभी तक होश में नहीं आ रही।